अब हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं तो मेन रोड पर, यहाँ से जो है ना केरल के बाज़ार, और वो देखिए सामने एक छोटा सा एरिया बना हुआ है, लेकिन ये हमारे अंडर वे बनते हैं। जनाब यहाँ से देखें बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी लोग यहाँ रुक के भी देख रहे होते हैं। मैंने अभी आते हुए देखा है काफ़ी लोग गाड़ियाँ रोक कर यहाँ से शहर के नज़ारे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो केरल के व्लॉग के साथ आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो जनाब इस वक्त मैं केरल के टॉप व्यू पॉइंट पर हूँ, जिसको अपर नीलम कहते हैं। तो इस सफ़र के दौरान मैंने आपको बताया था कि काफ़ी रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, और ये ख़ास तौर पर पहले एक छोटा सा गांव था, फिर इस व्यू की वजह से इस यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं। और व्यू का है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मेरे पीछे एक गांव आपको नज़र आ रहा है दरिया के उस पार, ठीक है, और दरिया के इस पार ये दो गाँव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ में जो आबादी है वो मुसलमान ही आबादी है, लेकिन क्या फ़र्क क्या है, दूसरी तरफ का इलाका इंडियन ऑक्यूपाइड है, मकबूजा कश्मीर है, और इस तरफ आज़ाद कश्मीर है। तो मकबूजा कश्मीर के इलाके में देखें आप अगर गौर से, तो मैं ज़रा क्लोज और करता हूँ, देखें बिल्कुल आपको घर नज़र आ रही है, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही उस तरफ, कोई लोग नहीं है, खेत हैं लेकिन खेतों में कोई काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से दरियाए नीलम का बहुत खूबसूरत व्यू है केरल के टॉप व्यू पर, व्यू से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शहर नज़र आ रहा है। मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन क्या करें, वो ऑक्यूपाइड इंडियन है और ये आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद लोगों का मुल्क है, ठीक है। तो लिहाजा इंतहाई अफसोस की बात है कि हम इतने करीब होने के बावजूद भी दूर हैं, ये लोग आपस में मिल नहीं सकते, एक दूसरे में रिश्तेदारियाँ हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इशारों में बात करते हैं दोनों किनारों से। तो एक और बात ये है कि दोस्तों कि ये इस दरिया की उस तरफ के लोगों का कहना है कि इस दरिया का नाम कुछ और है, और इस दरिया के इस पार जो लोग हैं उनके लिए ये इस दरिया का नाम कुछ और है, मतलब हम इसको दरिया नीलम कहते हैं और वो कहते हैं किशन गंगा रिवर, मतलब किशन गंगा डैम से जो निकल के आ रहा है, तो इसलिए वो इंडियन जो है ना वो यही कहते हैं। तो माशाल्लाह यही एक वजह है जिसकी वजह से ये व्यू पॉइंट बनाया गया है, अपर नीलम बनाया गया है, और ये देखें बहुत ही खूबसूरत नीचे जो आपको शहर नज़र आ रहा है उसे केरल कहते हैं, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त इसको अपर नीलम कहते हैं, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दरिया नीलम का, और इसके चारों तरफ में बुलंद बाला पहाड़, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत बुलंद बाला पहाड़ हैं। और यहाँ पर देखें इस तरफ मेरे जहाँ पर मैंने बताया आपको छोटा सा गाँव है, ख़वातीन अपने काम में मगन हैं, और ये इस तरफ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ये बुलंदोपाला पहाड़ों में भी लोकल कम्युनिटी आबाद है, यहाँ देखें कुछ ख़वातीन यहाँ से चढ़ के ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब है इस जंगल में भी काफ़ी लोग आबाद हैं। और ये केरल का टॉप व्यू, कलरफुल छतें और कलरफुल शहर नज़र आ रहा है यहाँ से। मकबूजा कश्मीर के घरों को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें आबादी नहीं है, ये उस तरह सिर्फ घर नज़र आ रहे हैं, आबादी नज़र नहीं आ रही, घर तो है लेकिन लोग कोई नहीं नज़र आ रहे।
आज़ाद कश्मीर में दो पॉइंट हैं, एक दरियाए नीलम के स्टार्ट में ही हमें मकबूजा कश्मीर की कुछ आबादी नज़र आती है, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। नीचे इंडियन जवान मौजूद हैं जो अपने कुछ कामों में मसरूफ़ हैं, तो ये सामने देखें ये सब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं, सामने मस्जिद भी नज़र आ रही है और सामने एक स्कूल की इमारत भी नज़र आ रही है और कुछ बच्चे वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बाकी घरों के बाहर या घरों में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ये सामने इंडियन फ्लैग आप देख ही रहे हैं वो कि सरनगू है, तो इंशाल्लाह सरनगू ही रहेगा। तो मैं मकबूजा कश्मीर के जो जवान हैं उनकी हिम्मत को दाद दूँगा और उनकी हिम्मत के लिए दुआ दूँ कि वो अपनी आज़ादी के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। जनाब ये आपको सारी आबादी नज़र आ रही है अपर नीलम पे, ये लोकल कम्युनिटी है यहाँ की, ये गांव, घर के बाहर छोटा सा खेत, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत वादी है ये भी। कश्मीर का बेहतरीन व्यू है और जितने भी टूरिस्ट आते हैं लोअर पंजाब से या अपर पंजाब से, वो पहला स्टे आकर यहाँ अपर नीलम में करते हैं। दरियाए नीलम की खूबसूरत वैली है और काफ़ी लोगों की फेवरेट जगह है ये।